1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में मेदनीराय से चंदेरी का युद्ध और 1529 में महमूद लोदी का युद्ध और 1530 में बाबर की मृत्यु। 1526 में जब बाबर ने आक्रमण किया तो ये बाबर का खुद का प्लान नहीं था कि वो भारत में आक्रमण करे। बाबर को आक्रमण करने के लिए इनविटेशन दिया गया था और ये भारतीयों ने ही दिया था, जिसमें इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार, जिनमें दिलावर खां और उसके कुछ और रिश्तेदार, उन्होंने बाबर को आक्रमण करने के लिए इनविटेशन दिया था कि आप आइए और आक्रमण कीजिए, और इसमें राणा सांगा भी शामिल थे। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि राणा सांगा की सोच ये थी कि बाबर आएगा, दिल्ली में आक्रमण करेगा, मारा पीटी करेगा, लूटामारी करेगा और चला जाएगा, और पीछे से मैं दिल्ली पर आक्रमण करके वापस दिल्ली पर राजपूतों की सत्ता को स्थापित कर दूंगा। लेकिन 1526 में बाबर ने युद्ध जीता है और बाबर ने यह निश्चित कर लिया कि अब मैं भारत में ही रहूंगा। और 1527 में दोनों के बीच, यानी कि राणा सांगा, राणा संग्राम और बाबर के बीच खानवा का भयावह युद्ध होता है, जिसमें राणा सांगा की पराजय होती है, राजपूतों की पराजय हो जाती है। इस पर कुछ झगड़े हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि राणा सांगा युद्ध में हारा और बाबर ने वहाँ पर जिहाद किया, उसने विधर्मियों के यानी कि राजपूतों के सरों को काटकर एक मीनार खड़ी करवा दी, इतने राजपूतों की हत्या की गई, राजपूत रानियों के साथ लूटामारी की गई, ये कई इतिहासकारों का मानना है। 1528 में चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय से युद्ध हुआ, ये भी राजपूतों से युद्ध था, जिसमें जौहर कुंड जैसी एक घटना हमारे सामने आई। 1529 में बाबर अफगानों से युद्ध लड़ता है, जिसमें महमूद लोदी बाबर का विरोधी रहता है। 1530 में बाबर का इंतकाल हो जाता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इससे पहले बाबर के कुछ ऐसे काम जिनमें आज तक इतिहासकारों में, राइटर्स में मतभेद है, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि आखिर सच क्या है। जैसे कि एक राम मंदिर को तोड़ना, राजपूतों को मारकर उनकी मीनारें बना देना, 1528 में हुए युद्ध में जौहर कुंड की घटना, इन पर इतिहासकारों में मतभेद है। राजपूतों की गर्दन बाबर ने काटी होगी और मीनार बनाई होगी, जौहर कुंड बाबर ने किया होगा 1529 में युद्ध के बाद, 1530 में मृत्यु, इसी घटनाएं बाबर के जीवन की रही। बाबर हमेशा भटकता रहा और भटकते भटकते ही उसकी मृत्यु हो गई, बाबर को कभी आराम नहीं मिला। राम मंदिर को तोड़ने को लेकर आज तक राइटर्स में, आज तक इतिहासकारों में, हिस्टोरियंस में एक मतभेद है। ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि क्या वहाँ पर एक राम मंदिर था, क्या वहाँ पर राम जन्मभूमि या राम का जन्म स्थान था या नहीं था, क्योंकि इसके पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों पर झगड़े हैं। लेकिन इस पर हरिश्चंद वर्मा लिखते हैं कि तुजू के बाबरी में बाबर जिस सांप्रदायिक सद्भावना का परिचय देता है, अपना योगदान देता है, उसको इतिहास में नकारा नहीं जा सकता। देखिए, YouTube है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ ताकि आप मुझ पर हमले ना करें। मध्यकालीन भारत भाग दो, 1540 से 1761, ये हरिश्चंद वर्मा द्वारा एडिट बुक है। इसमें उन्होंने क्या लिखा है ये हम देखते हैं। बाबर क्या लिखता है, सुनिए। सांप्रदायिक सद्भावना की दिशा में बाबर के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। पुत्र हुमायूं को दी गई बाबर की सीख उसके विशाल दृष्टिकोण का परिचायक है। उसने कहा था, तुम कभी धार्मिक पूर्वाग्रह को अपने मन पर हावी होने मत देना और पूजा के सभी वर्गों की धार्मिक भावनाओं एवं रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर निष्पक्ष न्याय करना, विशेष रूप से तुम गो हत्या से दूर रहना। देखो, गो हत्या को लेकर भी बाबर अपना स्टेटमेंट देता है तुजू के बाबरे। और बाबर जब इतनी दूरदर्शिता बता रहा है अपनी, इतनी
दूरदर्शी दृष्टिकोण का परिचय दे रहा है, तो क्या बाबर राम मंदिर को तोड़ सकता है? क्या बाबर राजपूतों को मारकर उनकी मीनार बना सकता है? क्या बाबर जौहरकुंड जैसी घटनाओं में शामिल हो सकता है? इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। आगे देखिए क्या लिखता है बाबा, तुम कभी किसी भी समुदाय के पूजा स्थल को नष्ट मत करना। अब बात यह है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई आपने कहा कि पूजा स्थल को नष्ट मत करना, तो राम मंदिर क्यों तोड़ा? इसमें क्या हो सकता है? आगे सुने आप, ठीक है। दमन की तलवार की अपेक्षा प्रेम और कर्तव्य की आस्था द्वारा इस्लाम का प्रचार कहीं अच्छी तरह से किया जा सकता है। हिंदू भक्त कवियों एवं सूफी संतों के प्रयास से उत्पन्न सांप्रदायिक सद्भाव की व्यापक भावना के साथ मुगल वंश के संस्थापक की ऐसी सीख अकबर को बौद्धिक विरासत के रूप में मिली। इसमें संदेह नहीं है कि अकबर को स्वयं अपने विचार स्थापित करने के लिए बाबर की ये सीखें उसको बढ़ावा देती हैं। अब बाबर सांप्रदायिक सद्भावनाओं को लेकर ऐसी बातें करता है, वो कहता है गोहत्या करना पाप है, मतलब गोहत्या मत करो आप। खैर ये इतिहासकारों की बात है। बाबर ये भी लिखते हैं, बाबर लिखता है कि भारत में अकुत संपत्ति थी, भारत में इतनी संपत्ति थी कि उसको गिनने के लिए पर्याप्त आंकड़े थे। भारतीय 100,000 को 1 करोड़, 1 लाख, 100 लाख को 1 करोड़, 100 करोड़ को 1 अरब, 100 अरब को 1 खरब, 100 खरब को 1 नील, 100 नील को 1 पद्म और 100 पद्म को 1 शंख कहते थे। इससे पता चलता है कि हमारे देश में कितना सोना चांदी था। बाबर ये भी लिखता है कि प्रशिक्षण के मामले में तो भारतीयों जैसा उसने किसी को नहीं देखा। वो राणा सांगा के बारे में भी ये लिखता है कि मैंने राणा सांगा जैसा वीर नहीं देखा। क्या युद्ध किया है उसने, ये लिखा है उसने, ठीक। 1527 का युद्ध था। अब बाबर भारत के लोगों के स्किल के बारे में क्या लिखता है? बाबर कहता है कि आप जाएं किसी भी काम के लिए, आपको प्रशिक्षित एकदम मंजे हुए ट्रेंड लोग मिलेंगे, एकदम प्रोफेशनल किसी भी काम के लिए जाओ। ये बाबर लिखता है भारत के स्किल डेवलपमेंट के बारे में, भारत की प्रकृति, भारत के सौंदर्य के बारे में भी बाबर लिखता है, भारत की संस्कृति के बारे में लिखता है। बाबर ये भी लिखता है कि दक्षिण भारत का राजा कृष्णदेव राय, ये भारत का सर्वशक्तिशाली राजा था। भारत में कोई केंद्रीय सत्ता भी नहीं थी जब बाबर का युद्ध हुआ था, ये सब बाबर लिखता है। 1528 में मेदिनी राय के साथ जब युद्ध हुआ तो एक व्यक्ति था शेर खां, वो शेर खां ये था बाबर के साथ, बाबर की टीम में। 1529 में महमूद लोदी से युद्ध हुआ, अफगान युद्ध में वो बाबर के विरुद्ध हो गया। वो 1528 में युद्ध के समय बाबर ने ये कहा भी था कि शेर खां यानी कि एक अफगान, ये अफगान एक चतुर चालाक है, ये छोटी मोटी परेशानियों से घबराने वाला व्यक्ति नहीं है, इस पर नज़र रखना, मुझे इसके माथे पर राज के लक्षण दिखाई देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुगल साम्राज्य का दमन कर दे। ये बाबर ने कहा था। और बाबर जब इतनी दूरदर्शिता का, इतने अच्छे दृष्टिकोण का परिचय देता है, तो ये भ्रांतियाँ क्योंकि उसने राम मंदिर को तोड़ा था, ये भ्रांतियाँ क्योंकि उसने राजपूतों की मीनारें बनवा दी थी, जौहरकुंड भी करवाया था उसने, लूटामारी की थी, जबकि बाबर एक छोटे से गांव में रुका था। मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, ये सब इतिहासकारों ने लिखा है। आरपी त्रिपाठी तो ये भी कहते हैं कि बाबर को तिमूरी राजवंश से ये सीख नहीं मिली कि तुम हिंसा करो, जिहाद करो, ये उसे मंगोल और तुर्की वंश से मिला है। दो राजवंशों का खून था उस पर, एक तुर्की और एक था मंगोल। तुर्की मतलब ये हमारा जो तैमूर लगने वाला साम्राज्य था ना उसका। ये बाबर लिखता है। बाबर ये भी लिखता है कि केंद्रीय सत्ता के अभाव में मुझे जीतने में आसानी हुई है। इतनी सारी बातें बाबर तुजू के बाबरी में लिखता है। उसने तुर्की में अपनी तुजू के बाबरी किताब लिखी, जिसे कुछ लोग संस्मरण, कुछ लोग आत्मकथा भी कहते हैं। और कुछ इतिहासकारों का मानना ये भी है कि बाबर एक अच्छा गायक था, एक अच्छा राइटर था, एक अच्छा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति था।